बताऊंगा। पांडवी ने 14 मंत्र सूत्र के बारे में बताया है, जो है अपनी उपरिक ए ओ प्र ए ओ क्या हा या वरट लड़ आ मा गुणा नाम छा वा आ दा दा दास जा वा गड़ा दस खा पा छा ठा था छा छा ता वा का पा य सा 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 र हाल। ये महेश्वर सूत्र है, 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिसमें की सर्वी है और व्यंजन भी है, यानी कि ये संतचष्टी पर्णमाला है। क्या है? संतचष्टी पर्णमाला है। आप देख रहे हैं आ ई ऊ ड़ के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ये जो हलंत लगा हुआ है यहाँ पर, ये क्या होता है? इत संज्ञात्मक वर्ण। इसको क्या कहते हैं? इत संज्ञात्मक वर्ण। हर एक सूत्र के आखिर में यदि हम जैसे कामी नीचे हंस लगा हुआ है, इसमें रामे ये चामी, ये इनको कहते हैं इस संज्ञात्मक वर्ण, इसको इतनी कहते हैं। अगर बढ़ जाना है इस संज्ञात्मक बढ़ जाएंगे, और जो हंस लगा हुआ है इसको कहते हैं इस, क्या कहते हैं? इस कहते हैं, ठीक ना? आ ऐसे इसको प्रत्यय मारते हैं आ प्रत्यय, अगर प्रत्याहार बनाना है तो क्या बनाएंगे? हमारे क्या होंगे? प्रत्याहार बन जाएंगे। इसको लेते हैं यहां से लेके और इसको करते क्या आ अच, ये प्रत्याहार हो गया अच, क्या हो गया? प्रत्याहार। और यहां से हो गया ये आ से लेके ये ला तक, संज्ञा तो बढ़ तक लेके आएंगे, हाथ लेके ल एक संज्ञा तो बढ़ तक लेके आएंगे, तो क्या हो गया? ये हल। तो दो आपके प्रत्याहार बन गए हैं, एक अच और एक हल। तो अच जो आता है, ये अच प्रत्याहार में आते हैं आपके स्वर, क्या आते हैं? स्वर आपने देखे होंगे, स्वर और व्यंजन दो होते हैं, आ ई ऊ री री ए ओ ए औ, ये कितने हो गए आपके? ये आपके स्वर हो गए हैं, 9 स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार में कितने आपका एक प्रश्न बन जाता है, अच प्रत्याहार में कितने स्वर हो गए? अच प्रत्याहार में हमारे हो गए हैं 9 स्वर। और यहाँ से हल प्रत्याहार में कितने, इसका दाता आता है हल प्रत्याहार किसमें आता है? आपसे व्यंजन, व्यंजन कितने हो गए आपके? व्यंजन आते हुए इसको नहीं भूलते, इसको गिनती में लाते हैं हमेशा। ये जो आपका एक संज्ञात्मक वर्ड होता है इसको हम गिनती में नहीं लेते हैं, यहाँ से गिनती करेंगे ह या वर ल या मा ऊ र न, उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ से 33 व्यंजन कितने हो गए हमारे? 33, ठीक ना? आशा करता हूँ आप लोगों को महेश्वर सूत्र के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करें। धन्यवाद।